जमशेदपुर परसुडी का मुंशी मोहल्ला इन दिनों टापू बनकर रह गया है। पानी में डूबे कई घरों के बीच लोग रहने को मजबूर है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि बारिश आते ही क्षेत्र पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। नाले का पानी घरों में घुसने से घर का सामान बर्बाद हो रहा है। पिछले 18 दिनों से पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। जनप्रतिनिधि आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, पर समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। खुद उपायुक्त ने पिछले दिनों क्षेत्र का दौरा कर जल समाधान करने का भरोसा दिया था। वहीं जमशेदपुर सांसद विद्युत वरुण महतो पहल से रेलवे ने दो मोटर लाकर पानी निकालने की तैयारी शुरू की है। यहाँ कोई भी देखिए पानी निकालने का हम जिसको दिया है वो भी अपना 4-5 मोटर था वो भी लेके चल गया है। विधायक आया, आपका DC आया, मैम आई है, उसके बाद मुखिया जी आया। मुखिया लोग का इतना फंड मिलता है, यहाँ कोई निदान ही नहीं है। यहाँ कितना तकलीफ का पब्लिक जी रहा है, आप आके एक बार देखिए। आगे बगले अभी अब की बार जब वोट मांगने आएगा जो भी नेता उसको कटोरा पकड़ाएंगे हम लोग। यहाँ का पब्लिक कटोरा पकड़ाएगा उसको। आप वोट मांगने वोट बैंक इसका यहाँ खत्म करना है एकदम। जो भी नेता आएगा यहाँ का वोट बैंक खत्म कर देंगे। कोई पार्टी ब्रेड केला 2-4 दिन दिया और 2-4 दिन खाना उना दिया, उसका बाद का भी कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं। तो यहाँ के कुछ नहीं किया मुखिया तो अभी नहीं करता है, एक दिन आके देखते चले गया, उसका बाद फिर दोबारा आगे नहीं करता। कालीदास जी कोई निदान नहीं है, कुछ नहीं होगा जो होने का था दिख रहा है, जिसका गुजर रहा है उसको मालूम है। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरे मोहल्ले में यहाँ पर पानी भर गया है, जिस कारण से यहाँ लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि जनप्रतिनिधि जब वोट का टाइम आता है तो वोट मांगने आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पहल नहीं। इस पर अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। तो ये जो पूरा मामला है, इस तरीके से यहाँ पर जो पानी भर गया है पूरे मोहल्ले में, मोहल्लेवासी परेशान हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, दौरा करते हैं, लेकिन इनका निदान कुछ नहीं हो पा रहा है, तो क्या कुछ हालात बने हुए हैं अभी वहाँ पर? देखिए हालात जिस तरह से जो देखा जा रहा है, दिन जो पानी है, मानसून तो अभी जमशेदपुर में नहीं दिख रहा है, मानसून का असर भी वैसा नहीं है, लेकिन उमस भरी जो जमशेदपुर है वहाँ कहीं ना कहीं पानी जो जिस तरह से भी गिर रहा है, उसके दौरान क्या है कि जो ड्रेनेज सिस्टम सारा फेल है, उसके चलते बारिश का पानी जो है घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों में अफरा तफरी है, लोगों में उदासीनता दिखाई जा रही है। जो बारिश का पानी है वो साफ तरह से निकल रहा है। जो नाला है, नाला नाली जो भी है उसकी सफाई ठीक से नगर पालिका है उसके द्वारा नहीं किया गया है, जिसके चलते ये सारा कुछ जो उत्पन्न हो रहा समस्या। तो नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे हैं, इन पर कोई संज्ञान लिया गया है? नगर निगम के द्वारा क्या किया जा रहा है जल निकासी को लेकर के? इससे पहले भी देखिए आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बार हम लोगों ने अपने यहाँ खबर को चलाया था, जिसमें जल जमाव की बातें उठी थी। उसके 3 दिन के बाद यहाँ के जो उपायुक्त हैं वो देखने गई थी। देखने के बाद उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्दी इसका सफाई कराया जाएगा, इसको दुरुस्त किया जाएगा कि ताकि आगे जो मानसून आते किसी तरह की समस्या ना हो। लेकिन फिर अभी हाल में ही बारिश हुई है और बारिश के चलते जो है जल जमाव फिर से घरों में पानी घुसने लगा है, बच्चे बीमार होने लगे हैं, लोग जो है बूढ़े हैं वो बुजुर्ग हैं वो बीमार होने लगे हैं, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किसी के पास खाने का भोजन नहीं है, ये समस्या सारी खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं पड़ी। कुछ जनप्रतिनिधि है जो अपने स्तर से काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो भी भरपूर नहीं हो पा रहा लोगों के लिए। तो इस तरीके से हल्की बारिश में ही इतना जल जमा हो गया, अगर भारी बारिश आती है तो फिर क्या होगा, लोग यहाँ पर किस तरीके से रहने को मजबूर हो जाएंगे? बेसिकली जिस तरह से जो भी समस्या है हर तो हल्की बारिश में जल जमा हुआ है, लेकिन भारी अगर बारिश होने लगे तो वहाँ तो जीने मरने वाली बात हो जाएगी, कैसे उस नरकीय जीवन में लोग जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जमशेदपुर में यहाँ पर लोग कितने परेशानी में जीने को मजबूर है, इतना जो जल जमाव हो गया है। साथ ही यहाँ पर जो प्रशासन है, नगर निगम है, वो इसको लेकर के कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा पाइप से यहाँ पर मोटर लगाकर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी विफल साबित हो रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो मोहल्ला है पूरा पानी भरा हुआ है, मुंशी मोहल्ला जो बताया जा रहा है, जिसमें जल जमाव हो गया है। हल्की सी बारिश में ये हाल है, अगर बारिश तेज आती है तो और भी दयनीय स्थिति हो सकती है।